नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों मानो काफी चर्चा का कारण बना हुआ है बच्चन परिवार। आप भी लगातार सोशल मीडिया पर बच्चन फैमिली को लेकर तमाम खबरें देख रहे होंगे। इस परिवार का हर एक सदस्य सोशल मीडिया पर नजरों में आया हुआ है। तो कैसे इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य यानी कि परिवार की सबसे छोटी बेटी आराध्या बच सकती है? दरअसल सोशल मीडिया पर आराध्या को लेकर काफी तमाम चीजें कही जा रही हैं, जो यकीनन ही हैरान कर देने वाली है। और सवाल उठाए जा रहे हैं ऐश्वर्या और अभिषेक से कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। वही इन दिनों बच्चन परिवार खूब सुर्खियों का कारण है। भाई, बच्चन परिवार में अब नन्नी परी आराध्या को भी ट्रोल किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि भाई आराध्या को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए इस वाक्य से आपको रूबरू करवाते हैं। आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या का वीडियो सामने आया है, जिसमें मम्मी ऐश ब्लैक कलर की अनारकली लिबास में दिखाई दे रही हैं, वहीं आराध्या व्हाइट ड्रेस में दिखाई दी। दरअसल सोशल मीडिया पर बीते दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें आराध्या और ऐश्वर्या दोनों खुलकर डांस करती हुई दिखाई दी। वही इस वीडियो में ऐश और आराध्या के अलावा एक्ट्रेस जेनिलिया डिसूजा की भी झलक देखने को मिली। अब ऐसे में कहा ये जा रहा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ बेहतरीन माँ भी है। शुरुआत से ही आराध्या को मम्मी के साथ हर फंक्शन में हाथ थामे देखा गया। हालांकि इसके चलते वो कई बारी ट्रोल भी हो गई। अब सोशल मीडिया पर माँ बेटी के वीडियो आ जाने से ट्रोलर्स एक बार फिर से उन्हें ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि भाई जैसे ही वीडियो सामने आया, इस पर जो है आराध्या को लेकर ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इस वीडियो पर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। यहाँ तक कि लोग आराध्या को लेकर तरह तरह के कमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिख दिया कि ये पढ़ती कब है, ऐसा क्या सब जगह लेकर दौड़ जाती हो। दूसरे यूजर ने लिखा, कुछ देर के लिए तो अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया करो। एक और ने लिखा, वो बच्चों को अपनी पर्सनल गुड़िया की तरह ट्रीट करती है। इस तरह अन्य यूजर भी अलग अलग तरह के कमेंट आराध्या को लेते हुए लिखते दिखाई दिए। आपको बता दें कि 16 नवंबर 2023 को आराध्या बच्चन ने अपना 12वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। आराध्या के जन्मदिन पर अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं बटोरते दिखाई दिए थे। तो वहीं हाल ही में अगस्त्या नंदा, श्वेता नंदा बच्चन की बेटी अगस्त्या नंदा का फिल्म डेब्यू रहा, जहां पर फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान देखा गया कि भाई वहां भी आराध्या पहुंची थी अपनी मम्मी ऐश्वर्या के साथ, जिसे लेकर उन्हें फिर से ट्रोल किया गया। भाई आराध्या यहां पर मम्मी का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। कई लोग तो ये भी कहते दिखाई दिए हैं कि भाई इन्होंने अपनी बेटी को अपने पे डिपेंड कर लिया है। कई यहां पर ये कह रहे हैं कि क्या ये नॉर्मल बच्चा है, क्योंकि यहां पर आराध्या अपने पापा अभिषेक के पास भी नहीं जा रही थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर सवाल और उठना शुरू हो गया। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि भाई बच्चन परिवार में खूब तलाक की खबरें सामने आ रही हैं। बच्चन परिवार का हर एक सदस्य सोशल मीडिया पर इन दिनों अपने तलाक और डिस्प्यूट की खबरों को लेकर हवा हवाई पर बातें हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बच्चन परिवार में अब आराध्या और ऐश्वर्या के लिए जगह नहीं। कोई बताता है कि बच्चन परिवार पूरा ही ऐश्वर्या से खफा है। कहीं ना कहीं हाल ही में अगस्त्या नंदा की फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान ये चीज तो देखी गई, जहां पर बच्चन परिवार के अमिताभ बच्चन, मुख्य और जया दोनों ही ऐश्वर्या को इग्नोर करते हुए दिखाई दिए। इस चीज से एक चीज तो साफ होती है कि बच्चन परिवार में काफी खटपट का माहौल देखा जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि भाई अब इस खटपट के माहौल के बीच आराध्या भी लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल्ड होती दिखाई दे रही है।
देखा आपने, हम यहाँ पर बात कर रहे थे आराध्या बच्चन को लेकर। आराध्या बच्चन लगातार ट्रॉल्ड हो रही हैं। जी हाँ, आराध्या बच्चन कब पढ़ती हैं, आराध्या बच्चन पेपराजी को देखकर काफी ही शाये जो उनका रवैया रहता है ये भी कहा जा रहा है, और आराध्या जो है काफी ज्यादा ही पेपराजी को देखकर एक नॉर्मल बच्चे की तरह रिएक्ट नहीं करती हैं, उन्हें लगातार ट्रोल्ड किया जा रहा है। एक तरफ माँ बाप के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बेटी आराध्या को भी अब जो है ट्रोलर्स ने अपने निशाने पर ले लिया है। हालांकि ये चीजें गलत हैं। बीते दौरान ऐश्वर्या और आराध्या को देखा गया था, हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भी आपको बताया था कि एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर ऐश्वर्या और आराध्या जो है काफी ज्यादा मस्ती भरा डांस करती हुई देखी जा रही है, जिसको अब जो है ट्रोलर्स ने अलग ही एंगल से ले लिया है। ट्रोलर्स का ये कहना है कि भाई आखिरकार आराध्या पढ़ती कब है, भाई वो जब भी पढ़ती हैं तो ना जाने इन ट्रोलर्स को क्या दिक्कत है। भाई ट्रोल काफी ज्यादा किया जा रहा है बच्चन परिवार की सबसे लाडली आराध्या को, और सोशल मीडिया पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि बेटी को हमेशा माँ के साथ ऐश्वर्या के साथ देखा जा रहा है। जब भी अभी बीते दौरान ही अगस्त्या नंदा का जो है स्क्रीनिंग रही मूवी की, तो भी आराध्या अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चिपकी हुई दिखाई दी। वो अपने इवन फादर अभिषेक के पास भी नहीं जा रही थी, जिसको लेकर भी लगातार ट्रोलिंग का सिलसिला चल रहा है। तो क्या कुछ है आपकी राय कि क्या नन्हे से बच्चे को ट्रोल करना चाहिए? ठीक है, अभी उसको जो है पेपराजी की आदत नहीं है, अभी वो जैसा भी रिएक्ट कर रही है वो भी एक बच्ची ही है। क्या कुछ है आपकी राय, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं चली, आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।